अच्छा एक बात बताइए, जैसे और मैंने काफ़ी जगह देख गया हूँ मैं, एक तरह से जैसे मेला लगता है ना, और वहाँ लूट मचाई होती है खाने पे पीने पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे, चाय वगैरह पे वहाँ जी। लेकिन पूरी दुनिया का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि शायद करबला को छोड़कर जो इमाम हुसैन का असल रोज़ा है, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं जनता वंता, और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को धार्मिक स्थल दिखाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर और दरगाहें, बड़ी बड़ी मस्जिदें और ऐतिहासिक स्थल दिखाए, हमारे दोस्त हमारे साथ में दिल्ली में रहते हैं, सुंदर नगरी में, ये अक्सर करके धार्मिक स्थलों पर जाते रहते हैं। ये गए थे करबला हिंद कानोदर गुजरात, हुसैन डिग्री के नाम से वहाँ बहुत खूबसूरत ही एक दरगाह बनी हुई है इमाम हुसैन की। अगर आप करबला जाने की तमन्ना रखते हैं तो एक बार वहाँ जाइए, और वहाँ की ज़्यारत आप करेंगे तो करबला जाने के लिए और आप मचल जाएंगे, यानी तमन्ना आपकी और बढ़ जाएगी। वहाँ का वो नज़ारा है, भाई ने वहाँ का नज़ारा देखा है, ये आली जनाब मौलाना ग़ुलाम अली साहब हैं, ये करबला जाने वाले हैं, ये वहाँ आकर बताएंगे, लेकिन ये हिंद की करबला देखकर आए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं जी। जनाब नजमी भाई, जैसे आप वहाँ गए थे तो एंट्री में सबसे पहले आपको कैसा लगा था वहाँ जाके? अस्सलाम वालेकुम, मैं सबसे पहले सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग वहाँ नहीं गए वो भी जाएँ। और 4 से 5 साल पहले मैंने उसके बारे में सुना था कि कानोदर में दरगाह है, और उससे पहले सुना था, तो मैं लगातार 4-5 साल से ट्राई कर रहा था, लेकिन अल्लाह का बुलावा नहीं था, तो इस साल भी मेरा कैंसिल हो गया था जाने का कि मैं नहीं जा पाऊँगा। लेकिन एकदम से फिर इरादा बना मौला का, फिर मेरी मदर भी रेडी हो गई कि भाई हमें भी जाना है, फिर हमें टिकट नहीं मिला, हम लोग अजमेर गए, अजमेर में ख्वाजा की दरगाह पे ज़ारत करी, फिर हम तारागढ़ गए, वहाँ चौथे इमाम के बेटे हैं, उन नस्ल से हैं, तो उनकी हमने ज़ारत करी, फिर उसके बाद हम वाया होते हुए फिर वहाँ कानोदर पहुँचे। जब कानोदर पहुँचे तो फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था कि सुना था कि बहुत अच्छी दरगाह है वहाँ, बहुत कुछ है, और हमने देखा नहीं था, और वहाँ की कमेटी के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में सुना था कि वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस तो जाके ही होता है जी। फिर हम सबसे पहले वहाँ से पालनपुर उतरे, वहाँ से पता करा, कानोदर हुसैन टेकरी गए, जब हम वहाँ गए तो वहाँ गेट बना, बड़ी खुशी हुई देख करके कि इतनी बड़ी जगह अपने शिया लोगों के पास है और अपने मुसलमान लोगों के पास है, ऐसी जगह गुजरात के अंदर। फिर वहाँ अंदर गए, अंदर जा कर के देखा तो वाकई में जैसे इमाम हुसैन का रोज़ा हम देखते हैं पिक्चर के अंदर या फिर और चीज़ों में, माशाल्लाह बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी कॉपी इमाम हुसैन के रोज़े की थी वहाँ पर, एक अलग ही रौनक थी, चारों तरफ टेंट लगे थे जैसे जोगीपुरा दरगाह वगैरह में लगते हैं, बहुत दूर दूर से पब्लिक आई थी वहाँ पर, और एक अलग ही एक्सपीरियंस है वहाँ का जी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे और मैंने काफ़ी जगह देख गया हूँ मैं, एक तरह से जैसे मेला लगता है ना, और वहाँ लूट मचाई होती है खाने पे पीने पे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे, चाय वगैरह पे, वहाँ कैसा मैनेजमेंट है? देखिए मैंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी काफ़ी जगह इमाम बारगाह और दरगाह और रोज़े देखे हैं, लेकिन पूरी दुनिया का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि शायद करबला को छोड़कर जो इमाम हुसैन का असल रोज़ा है, पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि लोग अपने पैसे से 20 रुपये की बोतल या 15 रुपये की पानी की बोतल ला करके आपको 5 रुपये की बेचते हैं जी। या आपको जो है 5 रुपये में दूध का गिलास दे रहे हैं, वो 10 रुपये के अंदर आपको मटन और चावल और खाना दे रहे हैं, 10 रुपये का खाली आप कूपन लीजिए, या 30 रुपये का जो कूपन आप लेते हैं उसके अंदर भी आपको सारा खाना मिलता है। वहाँ के लोग जो हैं बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि वो लोग सब पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हैं। मैंने उनसे एक सवाल किया कि भाई इतने हज़ारों लोग यहाँ आए हैं, 20-25-30 हज़ार लोगों के लिए आप रोटी कैसे बनाते हैं? तो उन्होंने कहा हमारी जो लेडीज़ हैं वो इतनी पढ़ी लिखी हैं, और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया रिटर्न हैं, काफ़ी लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी रहते हैं, रिटर्न है वहाँ से, और हमारे यहाँ औरतें बैठ जाती हैं आटा लेकर के, और हर औरत जो है हर घर से रोटी बन के आती है, तो पर लेडी 2 घंटे रोटी बनाती है ज़ायरीन के लिए। तो देखिए ये भी अपने आप में एक जज्बा है, एक मौजा है कि इतना मतलब उन लोग एजुकेटेड होने के बाद में, पैसा होने के बाद में, फिर भी उनके दिल में ये नहीं है कि हम ये काम क्यों करें जी। अच्छा दूसरी बात ये है, जैसे इतने डाउन टेम्परेचर में गए आप जी, बहुत ठंडी थी, तो वहाँ जो कैसे कन्वेंस किया आपने रिहाइश, यानी कि ये क्वार्टर वगैरह थे या फिर कैंपिंग वगैरह थी, कैसे थी और वहाँ जो मैनेजमेंट है?
देखिए आम दिनों में तो वहाँ पर उन्होंने रूम्स बना रखे हैं, आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन प्रोग्राम्स में आपको पता है काफ़ी पब्लिक होती है, हज़ारों का मजमा होता है और डेली लोग आते हैं और जाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। और उन लोगों ने सिर्फ 10 रुपये पर डे के हिसाब से गद्दे का इंतज़ाम था, रजाई का इंतज़ाम था और बड़ी अच्छी फैसिलिटी थी। अगर आप बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप नहीं उनको वहाँ पहुँचा सकते तो पूरी टीम है बाकायदा, आप आपके टेंट तक वो सामान छोड़ के आएंगे, सामान लेकर आएंगे, आपको पूरी फैसिलिटी। 10 रुपये पर डे में तो कुछ भी नहीं है, रजाई गद्दा सब आपको अवेलेबल कर रहे थे वो लोग। दूसरी क्या बात है, मेन सवाल आपसे यानी मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ के जो लोग हैं, दरगाह तो देखिए सबको अच्छी लगती है, धार्मिक स्थल है, जो दूसरे अदर समुदाय है वो भी बोलेगा कि भाई धार्मिक स्थल है, अच्छी है, लेकिन वहाँ के जो कमेटी के लोग हैं वो कैसे लगे, बिहेव कैसा था उनका? देखिए कमेटी के लोगों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मैं वहाँ कई लोगों को बाई नेम जान गया, जैसे इरफान भाई थे अपने, जफ़र भाई वगैरह, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। या कुछ लोग वहाँ से 500 किलोमीटर दूर से आते हैं, तलाजा एक जगह है, वहाँ से वो लोग आते हैं और काफ़ी बड़ा लंगर लगाया उन्होंने भी, 10 रुपये का टोकन बांटते हैं, पर डे 6,000 आदमी को वो लोग खाना खिला रहे थे। तो ये भी मैं देख के शौक हो गया कि एक मतलब मटन और उसके अलावा अपना पाव और खाना और भी कई सारे सामान था, चावल सब्ज़ी, वो सिर्फ 10 रुपये के अंदर अवेलेबल करा रहे थे और बड़े इज्जत के साथ बैठा के, बड़ा साफ़ सुथरा टेस्टी खाना। और हम लोग उन्होंने स्पेशली बुला के अलग बैठाला रूम में, हमें भी उन्होंने चेक कराया, खिलाया, बड़ी मोहब्बतें दी, क्योंकि जब उनको पता चला कि ये दिल्ली से आए हैं और ये हमारे वो हैं तो उन्होंने बड़ी इज्जत दी। जैसा कि लोग वैकेशन पर जाते हैं यानी छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं, दिल ने लग रहा है इधर घूम लिए उधर घूम लिए, लेकिन धार्मिक स्थल एक ऐसा है वहाँ कुछ लेने जाते हैं, तो आप वहाँ से क्या लेकर आए? देखिए मैंने वहाँ जाकर के बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है। जैसे मैंने ये देखा है, इंसान अपने लिए तो जीता है लेकिन उसे दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। मैं कमाता हूँ, अपनी फैमिली पे खर्च कर सकता हूँ, अपने लोगों पे खर्च कर सकता हूँ, लेकिन कमा करके अपने दूसरे लोगों पे खर्च करना, अपने बिरादर के लोगों पे खर्च करना, अपने भाइयों पर, मिलने जुलने वालों पर और जिनको हम नहीं जानते, उनके लिए भी हमें खर्च करना, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करना, रहने का इंतज़ाम करना और उसके साथ साथ उनकी सब सहूलतों को देखना, मेडिकल कैंप लगाना फ्री में, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और मैं वहाँ से इंसानियत का बड़ा पैगाम सीख कर आया हूँ। और मैंने वहाँ पहले सबसे पहले जाकर कुछ महसूस किया था कि भाई वहाँ पर गुजरात के लोग हैं, वो लोग थोड़ा सा प्राउडी टाइप के होते हैं, ऐसा हो वैसा, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो वाकई इनको दिल से सलूट किया कि ये लोग नमाज के साथ साथ, इबादत के साथ साथ इंसानियत को भी आम करते हैं, इंसानियत की भी सेवा करें। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसे ही आपको ऐतिहासिक जगह पे घुमाता रहे, धार्मिक जगह पे घुमाता रहे। मैं तो दोस्तों यही कहूँगा, देखिए सबसे प्यारा जुमला जो हमारे हिंदुस्तान के लिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हर धर्म का, हर समुदाय का, हर इंसान यहाँ पर आज़ादी के साथ जीने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। और गंगा जमुना की तहजीब और भारतीय सभ्यता हमें यही सिखाती है कि एक दूसरे के देवी देवताओं, पीर पैगंबरों और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। तो आप किसी भी समुदाय से हैं, धार्मिक स्थलों पर जाइए, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर आपको मानवता के अलावा, इंसानियत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जनता वनता को ऐसी सपोर्ट करते रहिए और अपना अपना का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।